जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं, आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह कथा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता काफी शुद्ध व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु की आंखें भर आई? पुराणों में विख्यात एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए? पुराणों में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु शीशनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माँ लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। माँ लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुँच गए। जब वे पहुँचे तब अभी सूर्य देवता उदय हुए ही थे। रात्रि में बरसात हुई थी जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, जिसके फलस्वरूप माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन मुग्ध हुई माँ लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देख विष्णु बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्हें विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है
उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियाँ रहते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने 1 गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली 4थी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया, हे माँ यह कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ कर दें। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो।
इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।